हेलो गेमर्स, वेलकम बैक। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं मोबाइल लेजेंड्स की स्पेल के बारे में। मोबाइल लेजेंड्स में जो स्पेल होती है उसका किस तरह से यूज़ होता है, किस तरह से आप उसका प्रयोग कर सकते हो। तो मोबाइल लेजेंड्स में टोटल 12 स्पेलें हैं, उसमें से 6 के बारे में हम आज बात करने वाले हैं और बाकी की 6 के बारे में मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊँगा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर बिना किसी रुकावट के। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूट के बारे में। ये जो स्पेल है इसका कूल डाउन रहेगा 90 सेकेंड का। एक बार यूज कर ली उसके 90 सेकेंड के बाद फिर से आप यूज करते हो। इस स्पेल में क्या होगा कि 200 का ये डैमेज देगा, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में डैमेज देगा। लेवल 1 पे ये 200+20, तो 200+20 जैसे मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, पहले लेवल पे ये दे रहा है टोटल 221 का डैमेज। देखो यहाँ पे देख रहे हो 221 का डैमेज इसने दिया। अब चलो सेकेंड लेवल पे मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं लेवल 2 का हो जाता हूँ तब देखिए। जब लेवल 2 का हो गया तब देख पा रहे हो कि अब डैमेज देगा 241 का, यानी कि 20 प्लस हो गया। तो इस तरह से ये करता है। और मैं रिकमेंडेड करूँगा जब एनिमी का ब्लड थोड़ा सा हो तब इस स्पेल को यूज़ किया जाए, ताकि क्या होगा एनिमी मर जाएगा और स्पेल का कूल डाउन है वो भी हो जाएगा 44 सेकेंड्स। आपको ये फ़ायदा हो सकता है, तो इस तरह से आप स्पेल का यूज़ कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले स्पेल की ओर। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो उस स्पेल को कहा जाता है रेट्रीब्यूशन, और उसका कूल डाउन है 35 सेकेंड का। इस स्पेल से क्या होता है कि आप जंगल मॉन्स्टर जंगल स्क्रीप्स को 540+60 यानी कि 600 का डैमेज दे पाते हो लेवल 1 पे। तो जैसे ही लेवल 2 हो जाएगा 60 और बढ़ जाएगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाओ लेवल बढ़ने पे। देखो लेवल 1 पे इसने डैमेज दिया था 600 का, तो इस तरह से ये डैमेज देता है। और एक बात की, अगर आप इस स्पेल के साथ जंगल इक्विपमेंट आइटम खरीद लेते हो तो आपको फ़ायदा ये रह सकता है कि आपको क्रीप्स की साइड से आने वाला डैमेज 40% कम हो जाएगा, यानी कि आपको फार्मिंग में बहुत फ़ायदा होगा। आपको मॉन्स्टर बहुत ही कम मार पाएंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि लेवल 1 पे हीरो मार नहीं पाता है क्रिप्स को, उसको टैंक की मदद लेनी पड़ती है, इसलिए आप इस तरह से अपना लेवल जल्द से जल्द अप कर सकते हो। अभी बात करते हैं इंस्पायर के बारे में। ये जो स्पेल है इसका कूल डाउन रहने वाला है 60 सेकेंड, और ये जो स्पेल है वो क्या करेगी कि आपकी जो अटैक स्पीड होती है वो बढ़ा देगी 5 सेकेंड के लिए। देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये जो स्पेल है इसको मैं दबा के जैसे ही सामने वाले हीरो पे अटैक कर रहा हूँ, मेरी स्पीड को बस आप देखिए। जब भी मैं हीरो को मार रहा हूँ स्पीड को देखिए। देखो जैसे ही 5 सेकेंड खत्म होते हैं अभी स्पीड देखिए कितनी स्लो हो गई है। तो इस स्पेल से क्या होगा कि आपकी अटैक स्पीड बढ़ जाएगी 5 सेकेंड के लिए। जब ग्रुप फाइट हो रही है और आप इस स्पेल को दबा के ग्रुप फाइट में जाओगे तब आपको बहुत ही अच्छा खासा फायदा हो सकता है इस स्पेल का, आपकी मारने की स्पीड बढ़ जाएगी तब। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं स्प्रिंट के बारे में। इस स्पेल की मदद से आपकी भागने की स्पीड 40% तक बढ़ जाएगी 8 सेकेंड के लिए। इसका जो कूल डाउन है वो रहने वाला है 100 सेकेंड का। तो इस स्पेल की मदद से जब आपका ब्लड कम हो और आपको एनिमी से भागना हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात की, जब आपको लगे कि मेरे को टीम के पास पहुंचना है, टीम फाइट हो रही है, आप दूर हो, तब इस स्पेल की मदद करके आप अपनी टीम के पास पहुंच सकते हो जल्द से जल्द। देखो मैं आपको ठीक से समझा देता हूँ एक बार। देखो जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हो, जैसे ही मैं इस स्पेल के ऊपर दबा रहा हूँ मेरी भागने की स्पीड जो है वो बढ़ गई है। तो आप इस तरह से इस स्पेल को यूज़ कर सकते हो। बढ़ते हैं अगली स्पेल की ओर। अभी बात करते हैं रिवाइटलाइज के बारे में। ये जो स्पेल है ये एक हीलिंग स्पेल है। इसके जरिए आप अपना या फिर अपने टीममेट का ब्लड HP बढ़ा सकते हो। इसका पर्टिकुलर एरिया होता है, इसकी पर्टिकुलर रेंज होती है। उसकी रेंज में देखो, इसकी जो रेंज है इसके अंदर जितने भी आपके टीममेट है उसकी हेल्थ बढ़ेगी, उसकी HP ग्रो होने लगेगी। देखो आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। तो जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हो हम दोनों खड़े हैं, मैं और मेरा टीममेट दोनों का देखो HP कम है, और जैसे इस स्पेल का यूज़ किया हीलिंग हो रहा है, हेल्थ बढ़ रही है। तो इस तरह से आप इस स्पेल को यूज़ कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले स्पेल की ओर। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो उस स्पेल को एगिस कहा जाता है, और ये स्पेल एक तरह से प्रोटेक्शन शील्ड या फिर प्रोटेक्शन कवच बोल लो वो जनरेट करके देगी आपको। पहले लेवल पे 617+50 यानी कि 720 उतना आपको शील्ड बना के देगी। लेवल प्लस होता जाएगा तब 17+17+ होती जाएगी। देखो जैसे ही मैं इस स्पेल को दबाऊंगा मुझे और मेरे टीममेट को शील्ड मिल रही है, एक प्रोटेक्शन कवच मिल रहा है। तब आप फाइट में आपको लगे कि आपका ब्लड कम है और आपको डैमेज ज़्यादा पड़ रहा है तब इसकी मदद से डैमेज आप कम ले सकते हो। तो
देखो एक बार और आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखो मैंने इस बार मेरा टीममेट आपको दिखाएगा, मेरा टीममेट जैसे ही स्पेल को दबाएगा वो स्पेल हम दोनों को सील्ड बना के देगी। तो देखो जिस तरह से इसने स्पेल दबाया हम दोनों को सील्ड मिल रहा है। तो इस तरह से प्रोटेक्शन के लिए आप एगिस को यूज़ कर सकते हो, एक सील्ड बना सकते हो एगिस के जरिए आपके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, 6 स्पेल के बारे में हमने सीख लिया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आपको अगली 6 स्पेल के बारे में सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।